राजमहल लोकसभा 2024 में जितना बीजेपी की प्राथमिकता है, पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरवरी में साहिबगंज का दौरा कर सकते हैं। साहिबगंज के दो दिवसीय दौरे पर आए रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि राजमहल लोकसभा 2019 में बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन 2024 में बीजेपी इसे जीतने की रणनीति बना रही है। हम कार्यकर्ताओं के बल पर 2024 में राजमहल लोकसभा जीतेंगे। पर हमारे गृह मंत्री अमित भाई का दौरा भी होने वाला है। आप जो सीट हमने 2024 में हम नहीं जीत पाए, वो साहेबगंज की सीट 2024 में जीतने के लिए पार्टी की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के इस बलबूते पे ये सीट हम जीतेंगे। आरओबी और आरयूबी अगर आप लोगों को रेल का करना है तो उसके लिए 50-50% शेयरिंग करना पड़ता है, राज्य सरकार 50% और केंद्र सरकार 50%। अगर राज्य सरकार ऐसा प्रस्ताव देती है और हमारे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।